हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आपका रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। कुछ ही दिनों से मेरा कुछ व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आई होप आप सबको पसंद भी आएगा। इसमें कुछ रूबी विथ एमरोल्ड है, कुछ रूबी की इयर रिंग्स है और कुछ डायमंड विथ रूबी है। तो चलिए देख लेते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे न्यू न्यू डिजाइंस है। ये पहला डिज़ाइन है, देखिए। ये एक झुमका ई रिंग है, इसमें रूबी का यूज किया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। ये सभी रियल रूबी है। वेट है 15.067 ग्राम। ये आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1,06,000। और ये डिज़ाइन देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर है, बड़ा सा टॉप है, इसमें बीच में एमरोल्ड भी यूज हुआ है। ये कोड है, वेट है 3.997 ग्राम। ये आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 44,000। इसमें 6,000 जितना मेकिंग पड़ेगा। ये डिज़ाइन भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें देखिए गोल्ड का काम भी बहुत ही बारीकी से किया गया है और इसमें रूबी एमरोल्ड दोनों ही यूज किया गया है। बहुत ही अच्छा है और साइन भी है। मैं कुछ इयर रिंग्स का टोटल मेकिंग बता देती हूँ कितना तक आता है। वेट है 6.365 ग्राम। ये आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 50,000। इसमें है 9,000 जितना मेकिंग आपको चार्ज रहेगा। इसमें रियल रूबी विथ डायमंड है। बहुत ही अच्छी डिजाइन है, ऐसा लग रहा है कि फ्लावर का हाफ बना हुआ है। इसमें गोल्ड की नेट वेट है 6.117 ग्राम और 1.11 सेंट रूबी यूज हुआ है, 1.5 सेंट डायमंड यूज हुआ है। पूरा डिटेल्स रहता है। इसके अलावा आपको अगर ज़्यादा कुछ डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ स्टोर में विजिट कीजिए, आपको अच्छे से समझा देंगे। और ये डिज़ाइन देखिए, एक टॉप की डिज़ाइन है, इसमें रूबी और एमरल्ड यूज हुआ है। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। ये कोड है, गोल्ड की नेट वेट है 6.672 ग्राम। इसमें रूबी 4.27 सेंट रूबी यूज हुआ है। जैसे हम डायमंड का क्लियरिटी लेते हैं, ऐसे ही रूबी का भी रहता है। तो आप जब भी लेने जाए तो प्लीज़ चेक करके लीजिए। और ये डिज़ाइन देखिए, ये डायमंड विथ रूबी है, ये भी बहुत ही सुंदर है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें गोल्ड यूज हुआ है 3.241 ग्राम। इसमें रूबी है 1.44 सेंट और डायमंड है 0.434 सेंट। प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली 78,000। मैं जितना हो सके मेरी तरफ से डिटेल बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं। ये एक डायमंड इयररिंग है, बहुत ही छोटा सा इयररिंग है। ये अब किड्स के लिए भी अच्छा है, बड़े भी यूज कर सकते हैं। ये कोड है, वेट है 2.063 ग्राम। प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली 34,000। इसमें 0.17 सेंट डायमंड यूज हुआ है। और ये एक रूबी इयर रिंग है, देखिए छोटा सा क्यूट सा है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, अब बड़े भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा है, बहुत ही सुंदर है। इसमें गोल्ड यूज हुआ है 1.726 और इसमें रूबी है 0.283 सेंट रूबी। ये आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11,500 रुपीज़। रूबी की क्लियरिटी है VS2। अभी फ्रेंड्स गोल्ड का प्राइस है 49,000 समथिंग है।
ये देखिए, ये एक डायमंड ईयर रिंग है, बहुत ही सुंदर है, कुछ स्लिप बटन में बना हुआ है। ये सभी डायमंड ईयर रिंग्स वगैरह 18 कैरेट गोल्ड से ही रहता है। गोल्ड की नेट वेट है 3.283 और इसका कलर है SI2GH कलर। ये आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 63,000। ये एक छोटा सा ईयर रिंग है, देखिए रूबी का है, बहुत ही सुंदर है। आप ये सब डिलीवर कर सकते हो, ख़राब नहीं होता है, और रूबी का तो जैसा स्टोन है ऐसा ही रहेगा। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सभी ईयर रिंग्स दिखाने वाली थी, और कुछ है मेरे पास लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता बोल के नहीं दिखा रही हूँ, बाद में कभी दिखा दूँगी। ये आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30,000। तो चलिए और एक देख लेते हैं। आज की डिज़ाइन सभी अच्छा है और लो बजट है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा रूबी का ईयर रिंग्स हो सकता है। आपका क्या ख्याल है प्लीज़ कमेंट में बताइए। इसमें गोल्ड की नेट वेट है 5.022 ग्राम, और इसमें देखिए जो रूबी यूज हुआ है वो 2.73 सेंट रूबी यूज हुआ है। ये आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 40,000। और ये डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है और ये भी बहुत ही क्यूट है। इसमें गोल्ड यूज हुआ है 5.099 ग्राम, 2.13 सेंट रूबी यूज हुआ है, ये कोड है। प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 37,000 और क्लियरिटी है VS2 क्लियरिटी। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत शाइन भी है। ये सभी रियल रूबी है गाइस, ये डुप्लीकेट नहीं है। इसमें गोल्ड यूज हुआ है 3.084 ग्राम, 1.04 सेंट रूबी यूज हुआ है। ये आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 34,000, ये कोड है। और ये एक छोटा सा स्क्वायर शेप में है डायमंड ईयर रिंग। इसमें गोल्ड यूज हुआ है 1.966 ग्राम और इसमें डायमंड यूज हुए 0.11 सेंट, ये आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 26,000। आपको जो मैं कोड शेयर कर रही हूँ, आप कभी भी कोई भी तनिष्क स्टोर में जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मैं बड़ोदरा स्टोर की नंबर दे देती हूँ और व्हाट्सअप नंबर भी दे देती हूँ, आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए वो आपको गाइड करेंगे। ये देखिए, एक डायमंड ईयर रिंग है, इसे थोड़ा सा वो शेफाली फ्लावर बोलते हैं उसी टाइप में कुछ है। प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली 1,65,000। इसमें डायमंड की सेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। आप सभी को आज की डिज़ाइंस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट ज्वेलरी का अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।